उसमें और ऐड कर लीजिएगा। मैं आप जी से अर्ज कर रहा था, मैं अध्यात्म में बिल्कुल अनपढ़ हूँ, ये मेरी विनम्रता ना समझिएगा। माँ के दरबार में बैठा हुआ सच्चाई वर्णन कर रहा हूँ। माँ जानती है मुझे संस्कृत का एक शब्द भी नहीं आता। मैंने ये बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े हुए। हाँ, उन ग्रंथों का हिंदी अनुवाद टीका जब कभी पढ़ने का अवसर मिला है पढ़ा। यूं कहिएगा मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने दीवियों, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, मैंने संन्यास दीक्षा नहीं ली हुई, मैंने संन्यास धारण नहीं किया हुआ। सफेद कपड़े पहनता था, कपड़े बदले हैं। ऊपर का कपड़ा मेरे बाबा का चिन्ह है और नीचे का कपड़ा वो श्री प्रेम जी महाराज का चिन्ह है। ये किस लिए? इसलिए ये मुझे याद दिलाते हैं तुझे क्या करना है और तुझे क्या नहीं करना है। तुझे मर्यादित जीवन व्यतीत करना है, तुझे संयमित जीवन व्यतीत करना है, तुझे दूसरों के लिए जीना है। तेरे अंदर जोश भी हो तो तेरे अंदर होश भी हो, ये वस्त्र मुझे नित्य याद दिलाते हैं। मेरा और कोई आशय नहीं। पुनः आप जी से अर्ज करूंगा, देवियों मेरे पास किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके बल पर मैं कुछ आपसे कह सकूं। आप आज सुनने के लिए इकट्ठे हुए हो, मैं आपकी इस कृपा को कभी, आपके इस स्नेह को कभी भूल नहीं पाता। ये मुझे बार बार आपकी याद दिलाता है। मुझे पता नहीं कि मैं इतना राम को याद करता हूँ कि नहीं जितना आपको याद करता हूँ। आप सच मानिएगा, यहाँ से जाके कई दिन तक आपकी शक्लें मेरी आंखों के सामने घूमती रहती हैं। ये करवाने वाले हैं, एक व्यक्ति जो राम का नाम जपने वाला चाहता है कि राम को याद करे, उन्हें याद ना करवा के तो आप लोगों की परमात्मा याद दिलाता है। मैं इस रहस्य को समझ नहीं पाता। बार बार आपके समक्ष माँ शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आप कहोगे राम राम जपने वाला व्यक्ति क्यों माँ माँ कर रहा है? आपको स्पष्ट करूं, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का, पुश्री प्रेम जी महाराज का उस पर ब्रह्म परमात्मा से संबंध माँ और पुत्र का ही था। स्वामी जी महाराज भी राम को माँ ही कह के पुकारा करते और पुज्य प्रेम जी महाराज भी अपने इष्ट को माँ ही कह के पुकारा करते हैं। आपको पता होगा जिस वक्त स्वामी जी महाराज को साक्षात्कार हुआ है उस वक्त भी स्वामी जी महाराज गिड़गिड़ा के तो अपनी माँ को ही पुकार रहे थे, माँ मेरा मार्गदर्शन कर। समझने की इतनी ही जरूरत है साधक जनों, ये माँ है कौन? ये समझ में आ जाए तो फिर
आपके मन में कभी भेद उठता है तो वह कभी ना उठे। देवऋषि नारद को रामचरितमानस में भगवान श्री कहते हैं, देवऋषि